ऐसे करण कारण दीनदयाल भगत वत्सल अनाथ नाथ जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन पवित्र चरण कमलां च जुड़ बैठी बहुत ही सत्कार ते सन्मान योग गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ संता दे पात्र हो संध्या वेले दे सजे हुए दीवाना च एकत्र होके अपने जीवन का कुछ कीमती समा गुरु लेखे ला के सफला और सकारता कर रहे साहबे कमाल पंथ दे वाली चिट्टियां बाजां वाले शमशेरे बहादुर देग और तेग के धनी श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जी का पावन पवित्र इतिहास करगी धर दी जीवन गाथा बहुत ही अदब सत्कार सहित आप जी सरवण कर रहे
भीम चंद अपनी सारी फौज समेत श्रीनगर पहुंचे। इत्थे एक गुरु घर का सौदागर महाराज जी लई घोड़े खरीद के लिया रहा सी। पता लगा कि भीम चंद रस्ते विच है, किते घोड़े खो ना लवे। खबर हुई कि दीवान नंद चंद जी भी श्रीनगर ने घोड़े लैके सौदागर दीवान नंद चंद जी को हाजिर हो गए। भीम चंद के आन से जदों लैण देण का कार्य आरंभ होया, सारे राजियां दी मजलस सभा लगी हुई है। दसिया जा रहा है फलाने राजे वालों है, अमके राजे वालों है। तो उस वक्त कलगीधर जी वालों भेजिया 1,25,000 का संबोल दीवान नंद चंद जी और गुरु साहब जी के प्यारे सेवक भाई दया राम जी ने पेश किया। यह वेख के सुन के भीम चंद बड़ा गुस्से में आया कि मेरे दुश्मन की शोभा मेरे कुड़म के घर में हो रही है। गुस्से में आया, कहन लगा कि मैं फतेह शाह की लड़की का डोला नहीं लैके जाना। जे फतेह शाह गुरु जी के नालों अपना नाता तोड़ के उन्हां ते हमला नहीं करता। इथों तक कि भीम चंद ने चढ़ के तैयारी कर दी जाण दी। आखिरकार फतेह शाह किन्ना क टाल मटोला कर सकता सी। इन्हें राजे भीम चंद की हामी विच हामी भर दिती। दीवान नंद चंद जी होना ने वेख्या कि फतेह शाह दी अखां बदल गई ने, क्योंकि ये पहाड़िए लोग ने, कच्चे मत वाले ने, इन्हां दा निश्चा कच्चा है। अपने निश्चे तो डोल के किवें एकदम बदल जाते ने, इन्हां दा कोई भरोसा नहीं। कलगीधर जी ने जदों औरंगजेब बादशाह नूं जफरनामा लिख के भेजिया, उहदे विच बकायदा दशमेश पिता ने इन्हां पहाड़ियां का जिक्र किया कि ओ बुत परस्तंत, ओ बुत शिकस्त, बुत परस्त, के बुतां नूं पूजण वाले पहाड़िए इन्हां दे दिल दे दिमाग भी पत्थर बन चुके ने। तो दीवान नंद चंद जी भांप गए ने, आओ मन बिरतियां एकाग्र करिए, क्योंकि गुरदेव ने वचन किया सी नंद चंद जी नूं कि नंद चंद जी जिहड़ा गुरु तुहानू भेज रहा है वो बुलाएगा भी, भरोसा रखो, तुहाडा वाल भी वंगा नहीं होण लगा, तत्ती वाह नहीं लगन लगी, तुसीं साडी शरण विच साडी पनाह च पै के जाणा। ताती वाओ न लगई, पार ब्रह्म शरण आई। कलगियां वाले पातशाह किवें इन्हां दे राखे हो रहे ने, आओ ये मन बिरतियां एकाग्र करके, गुरु और गुरु के सिखां दा इतिहास है सरवण करिए। बाजा वाले चोजी प्रीतम वह प्रगट्यो मर्द अगमड़ा, वरियाम अकेला, वाहो वाहो गोबिंद सिंह, आपे गुर चेला, सतगुरां दे चरणां विच अपनियां हाजरियां लवाओ,
समूह माई और भाई आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी दोहरा सुन जसवाल वजीर तब के बैन राजे जसवालिए ने जदों वजीर नाले गलबात कीती उदे वजीर ने राजे फतेह शाह नाल गलबात कीती भीम चंद के टिग गए थेरे ओ जहार सनैन इकट्ठे होके फतेह शाह नाल गलबात करके उथे आए ने जिथे राजा भीम चंद बड़ा गुस्से विच अखां लाल करी बैठा सी बड़े क्रोध विच बैठा सी कि मेरा कुड़म फतेह शाह मेरे दुश्मन का मित्र है ते जिहड़ा मेरे दुश्मन का मित्र है फिर वह मेरा भी दुश्मन है दुश्मन का मित्र तो दुश्मन ही हो सकता मित्र नहीं हो सकता बड़े गुस्से विच अग भंबूला होके जिस जगह ते राजा भीम चंद बैठा सी ए उत्थे चल के आए चौपाई तर्क तवाक कहो जसवाल तर्क करदिया राजा जसवालिया बोलिया तव समी को रसपुर नाल कहण लगा हे राजा भीम चंद तेरा जेड़ा समधी है यानी कि तेरा जेड़ा कुड़म है राजा फतेह शाह ओदा गुरु गोबिंद सिंह साहब नाल प्यार बनिया है ओदा गुरु जी दे नाल रस है प्रेम है उल्टो तुमको चाहे मिलायो ओदा अपना गुरु जी नाल जस रस बनिया होया है और उल्टा तेनू भी उना नाल मिलाना चाहुंदा तेरी भी उना दे नाल संधि कराना चाहता है लकीयत गुर करा कुछ खायो जापदा है कि राजे फतेह शाह ने गुरु गोबिंद सिंह साहब का कुछ कड़ा खा लिया उत्थे वरतदा तदे उना दी बोली बोलदा है लगदा इन्हें गुरु का कड़ा खा लिया करा मात साहिब प्रभ जाने कहना है कि गुरु गोबिंद सिंह साहब करामाती ने ओ करामाता दे साहब ने मालक ने उना नू बड़ा वड़िया करके जानदा ते समझदा है तिन सन द्वैष नहीं के मठाने उना दे नाल राजे फतेह शाह ने अपने मन च कोई द्वैष नहीं करनी फतेह शाह ने अपने मन च उना प्रति वैर विरोध नहीं रखना क्योंकि ये ता उना दा पक्का श्रद्धालु जापदा है जथा बनियो गुर सिख बिसाला ये ता जापदा इन्हे गुरु जी दी सिखी धारण कर ली है ये उना दा सिख बन गया जापदा है तिम बोलत हम सो इस काला उना दे वल दी गल साडे नाल करदा है उना दा सिख बन के साडे नाल गल करदा है साडे नाल जिहड़ी इहदी भाईचारक सांझ है भाईवालता उहदे मुताबक गल नहीं करदा ये गल करदा गुरु जी दा सिख बन के उना वल दी गल साडे नाल कर रिहा है रावर क्रोध न जानियो कने इहने तुहाडे गुस्से नूं नहीं जाणिया देखो इहो जे जिहड़े विच हुंदे आ ना बंदे उह अग लाउंदे उह जे लड़ाई होई होवे ओनू ठंडिया करन दा यतन नहीं करदे सगो नू होर वधाउंदे अग लाउंदे तेल पाउंदे बलदी ते ओह कामे राजे जसवालिए वर्गे भैड़ी बिरती दे लोक कर रहे ने कहिंदे वेख राजा भीम चंद ओने तेरे क्रोध नू नहीं मन्निया तेरे गुस्से नू नहीं मन्निया सगो गुरु गोबिंद सिंह साहब दीआं सिफतां करदा उना दा जस करदा लगदा उना दा कड़ा खा के उना दा सिख बनिया होया फिर उना गुर ते रस और सने एदा मन उना तो नहीं फिरिया तेरा गुस्सा वेख के भी नहीं ना मन फिरिया और उना दे नाल हाले भी रस भरिया गल्लां करदा
हाले भी उन्हां प्रति अपने मन चो प्रेम प्रगट करदा जथा आए तुमरे मन माए। हे राजा भीम चंद हुण जो तेरे मन विच आउंदी है करो तथा को वर्जित नाई। तुसी तथा उसे तरह ही करो तुहानू कोई वरजेगा नहीं तुहानू कोई रोकेगा नहीं। सुन कर भीम चंद रिस छाई। ये सुन के राजे भीम चंद दा मन बड़े डाढे गुस्से विच आया। पहला ही अग भंबूला सी होर ज्यादा एदा मन गुस्से विच आया। अग्न ज्वलत आहुति जन पाई। मन लो भी बढ़दी अग दे उत्ते राजे जसवानिये ने तेल दी आहुति पा के उन्हूं होर ज्यादा प्रचंड कीता। बलदी दे उते तेल पाउण दा काम राजे जसवानिये ने कीता। कयो देओ कर पूछ नगारा। इन्हें अपनी फौज नूं कहा कहिंदा नगारे बजाओ आपां अज ही कूच करांगे आपां नहीं रहना इत्थे। जिहड़ा साडा संबंधी साडा रिश्तेदार हो के साडे दुश्मन दीआं सिफतां करदा है साडे दुश्मन दे नाल अपनी मित्रता पगाउंदा है एहो जे रिश्तेदार दे घर विच कानू रहना। कहिंदा छेती करो अपनी फौज नूं कहिंदा अज ही कूच दा नगारा बजाओ आपां नहीं इत्थे टिकणा अज ही इत्थों चलांगे। मैं ना करूं कुछ अंगीकार। मैं राजे फतेह शाह दा कुछ भी अंगीकार नहीं करना ना इहदे वल्लों दित्ता होया दान इथों तक इहदी जिहड़ी दित्ती हुई लड़की दी डोली है मैं वह भी अपने पुत लई अंगीकार नहीं करनी। आन थान निज नंदन ब्याहो। मैं अपना पुत किसे होर थां ब्याह लवांगा किसे होर जगह ते ब्याह लवांगा जिहड़ा रिश्तेदार मेरी कदर करे जेड़ा मेरा सम्मान करेगा। इसके देश नयावन चाहो। हुण मैं मुड़के दे देश विच नहीं आवांगा मुड़के दी रियासत विच पैर नहीं पावांगा। अस दुश्मन मेरो दुखदाई। जिहो जा गुरु मेरा दुश्मन है ओहो जा राजा फतेह शाह मेरा दुश्मन है। मेरा जेड़ा दुश्मन मेरे लिए बड़ा बड़ा दुखदाई है। इनके संग प्रीति उपजाई। फतेह शाह उना नल प्रीत करदा जेड़ा मेरा दुश्मन है उदे नाले ने अपनी प्रीत पाई हुई है। जिम गुर शत्रु तथा ए मेरो। जिवें गुरु गोबिंद सिंह साहब मेरे दुश्मन ने तिवें अज तो बाद ए फतेह शाह भी मेरा दुश्मन है। मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं इहदे नाल कोई मेरा इहदे नाल संबंध नहीं। मैं इहदी लड़की दा डोला नहीं लैके जाना। मैं अपना पुत किसे होर थां ब्याह लवांगा। मैं इहदी रियासत विच मुड़ के नहीं आउणा। जिहो जिहा गुरु मेरा दुश्मन है उहो जिहा फतेह शाह मेरा दुश्मन है। लड़ो दोहन सो परे हो बखेरो। हुण जदों लड़ाई होवेगी ते मैं इन्हां दोहां नाल ही लड़ांगा जे बखेड़ा पिया। फतेह शाह नाल भी जंग करांगा उधर गुरु गोबिंद सिंह साहब नाल तां मैं जंग करना ही करना। हुण इन्हां दोनां नाल मेरी लड़ाई होवेगी। इम कै कर मानव पट दीनो। इम कै कर मानव पट दीनो। एदा कह के राजे भीम चंद ने अपना एक बंदा भेजिया कारण पूज नगारा कीनो। जिन्हें फौज दे विच जाके कह दिता भी कूच दा नगारा बजाओ। राजे भीम चंद ने हुण अज चढ़ाई करनी है जाना। सत छिन जीन हयन पर डाले। उस वेले सूरमियां ने घोड़ियां ते काटियां पा लियां। करी शिंगारन कीन उताले। और राजे भीम चंद दी सवारी तैयार कर ली जिहड़ा इहदा हाथी सी ओनू चंगी तरह शिंगार लिया। जब त्यार अरूटन पयो। एता जदो ए त्यार होए सवार हो के चलन लई फतेह शाह के नर सुन लयो। राजे फतेह शाह दे जेड़े नौकर चाकर सन उन्हां ने वेख्या के भीम चंद तां तैयारी करके वापस मुड़न लगा। इहदी तां सवारी भी तैयार हो गई है। जदो उन्हां ने वेख्या
ਤਰੀ ਆਦ ਉਤਾਇਲ ਤਾਏ। ਰਾਜੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਜਿ ਰਾਜੇ ਕੰਨ ਬਾਤ ਅਲਾਏ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਪਾਈ, ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇਰਾ ਸਮਧੀ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਟੂਟਨ ਸਮਧੀ ਸਾਥ ਤੁਮਾਰੋ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿਮ ਬਨ ਆਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨੀ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਸੋਂ ਮੇਲ ਕਰਨ ਹੈ ਕਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮੇਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੇ ਤਕ ਤੇ ਥਿਰ ਪੇ ਨਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ। ਚੱਲਿਓ ਛੋਰ ਤਵ ਤੈਨੂੰ ਜਾ ਡੋਰਾ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸੰਬੰਧ ਬੁਣਾ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਡੋਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਜਸ ਪਸਰੈ ਚੋਂ ਓਰਾ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਆਪ ਜਸ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਡੋਲੀ, ਰਾਜੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਡੋਲੀ ਭੀਮ ਛੰਦ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਿਜ ਸਮਧੀ ਕੇ ਬਨ ਅਨੁਸਾਰੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੇੜਾ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਸਮਧੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਖਦਾ। ਰਹਿ ਆਵੇ ਜਿਮ ਲਾਜ ਤਿਹਾਰੀ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਤੇਰੀ ਲਾਜ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲੈ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ। ਸੁਣ ਕਰ ਨਿਜ ਸਚਵਨ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਸ਼ੰਕਤ ਚਿਤ ਮੈਂ ਤਬੇ ਬਖਾਨੀ, ਇਕਦਮ ਇਹਦਾ ਮਨ ਸ਼ੰਕਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੂਰਨ ਜਾਏ ਛਿਮਾ ਕਰਵਾਓ। ਹੇ ਵਜ਼ੀਰੋ, ਜਾਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਓ, ਉਦੋਂ ਕਹੋ ਕਿ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕਰੋ ਨਿਹੋਰਨ ਚੜਤ ਹਟਾਵੋ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਕਿਰਿਆ ਹੇਤ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੇ ਲਈ ਕਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਉਂ ਟੂਟਨ ਕੋ ਚਿਤ ਮੈਂ ਚਾਹਿਓ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਧੀ ਕੇ ਨਿਤ ਅਨੁਸਾਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਮਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਲਰੋ ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਤਿਨੋ ਅਗਾਰੀ, ਤੇ ਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਲੜਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੋ ਕੋਪ ਕਹੋ ਕਿ ਮਕੀਨੋ, ਇਹਨਾਂ ਗੁੱਸਾ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਚੜਤ ਪ੍ਰੀਤੋ ਇਹੀਨੋ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਏਦਾਂ ਚੜ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਣ ਮੰਤਰੀ ਦੋਰੇ ਤਬ ਗਏ, ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕੋਲ ਗਏ। ਹੱਥ ਜੋਰ ਸਭ ਉਚਰਤ ਪਏ, ਇਸ ਕਪਟੀ ਛਲੀਏ ਫਰੇਬੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ
हाथ जोड़ के जाके वजीर कहन लगे सुमत वंत तुम क्यों ना विचारो। कहते हे राजा भीम चंद तू सियाणा है बुद्धिमान है तू इस गल दी विचार क्यों नहीं करदा। फतेशा नृप तो अनसारो। राजा फतेशा तेरा रिश्तेदार है और तेरे अनुसारी है जिवें तू कहेगा जिवें तू आखेगा तिवे वो तेरी आज्ञा के अनुसार चलेगा। जिमरन होए ना तिम तिन पाखी। ए ता चलो ने तुहाडे भले की गल कही सी जिहड़ी तुहानू चंगी नहीं लगी वो तो चाहता सी भी चलो जंग ना होवे युद्ध ना होवे ता उन्हें इदा दियां गल्लां पहला तुहाडे नाल गुरु जी दे हित दियां कीतियां सन। निश्चय लड़न जे तुम अभिलाखी। पर जे तुसी पक्के तौर ते ठाण लईए अपने अंदर के तुसी गुरु गोबिंद सिंह साहब नाल लड़ना चाहते हो उना नाल जंग करना चाहते हो तो सब आगे गुर के संग। ते राजा फतेह शाह ने सानू ये कह के भेजिया कि जे तुसी लड़ना ही है गुरु जी दे नाल ते तुहाडे सारियां तो मूहरे हो के तुहाडा आगू बन के मैं लड़ांगा उना नाल तुहाडे सारियां तो मूहरे हो के अगली कतार विच मैं लड़ांगा। नगरेश्वर काले जंग। श्रीनगर दा राजा फतेह शाह तुहाडे वास्ते गुरु गोबिंद सिंह साहब नाल वड्डा कमासान जंग करन नूं तैयार है। लहै चीन पावटा थान। और जेड़ी पौंटा साहब वाली जगह है वो दरअसल साडी गढ़वाल रियासत दी हद दी जगह है। वो जगह पौंटा साहब वाली गुरु जी दे कोलों राजा फतेह शाह खो लवेगा। डेरा लूटे वस्त महान। और उन्हां दा डेरा भी लुट लेगा उन्हां दे कोल जिहड़ियां कीमती वस्तुआं राजा भीम चंद लैणा चाहुंदा है वो सारियां वस्तुआं खो के उन्हां कोलों राजा फतेह शाह राजा भीम चंद जी तुहानू दे देवेगा। फिरो आप मसलत मिल ठानो। तुसी एदा काले ना पाओ एदा गुस्से विच आ के जान की तैयारी ना करो। राजे फतेह शाह नाल मिल के ठंडे दिमाग नाल ठंडे मत दे नाल बह के गलबात करो विचार करो आउण वाले समय विच की करना उहदी रूपरेखा बनाओ। साख विशाल आपनो जानो। तुहाडा बड़ा वड्डा साख है उहदे नाल इहदे तों वड्डा संबंध की हो सकदा है कि उह तुहानू अपनी लड़की दी डोली दे रिहा तुहाडे लड़के नूं ब्याह रिहा और तुहाडा एडा वधिया संबंध कुड़माचारी दे नेड़े तों संबंध होर किहड़े हो सकदे ने। एडा वधिया गहरा रिश्ता तुहाडा बनिया होया ऐसी बात ना उचित तुहारे। ते तुसी अपने रिश्तेदार दी मजबूरी नूं समझे बिना एदा दी गल नूं विचारे बिना गुस्से विच आ के चलण दी तैयारी कर ली। रिश्तेदार ओह हुंदा है जिहड़ा अपने रिश्तेदार दी किसे मनसा नूं उहदी मजबूरी नूं सही ढंग नाल समझे। उन्हें तो अपने वालों विचार पेश कीती सी पर तुसी उहदी विचार नूं मन्नण दी बजाए इनकार कीता ते गुस्से विच आप चढ़ के चले गए कित्थों दी सियाणप है। तुसी कह सकते सी फतेह शाह असी तेरी यह विचार नहीं मननी तेरे कहण मुताबक नहीं चलना तेनू साडी गल मननी पैणी है पर तुसी तां इह होछियां वाली गल कीती है कि असी तां फतेह शाह दी लड़की दी डोली छड के चले हां। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਕਈ ਬਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਹੱਸੇ ਲੋਕ ਅਪਵਾਦ ਉਚਾਰੇ। ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੱਲੀ ਰਾਜੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੇਰੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਕਿ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਡੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰੰਗ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੈਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਡੋਲੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੱਲੀ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਾਦਰ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੇਰਾ ਵੀ ਹੋਣਾ।
आप जस तेरा भी होना। भीम चंद सुन तबे उचारी, तेरा नादर होना के भीम चंद की जड़ी बरात थी उसके लड़के की बरंग मुड़ गई, वो वापस मुड़ गई, अपनी मंग लैके नहीं आ सके। तो इस प्रकार दे नाल तुहाडा दोनों वालों पासों निरादर होना। इन्हां गल्लां नूं तुसीं अपने हिरदे च चंगी तरह विचारो। जदों फतेह शाह दे वजीरां ने गल कीती, राजे भीम चंद ने सुनी ते विचारी, गुरसन लारे जे हमो आधारी, कहिंदा हे मंत्री जी सुनो, जे राजा फतेह शाह साडे तों मूहरे हो के साडे अगे लग के गुरु गोबिंद सिंह साहब नाल लड़न वास्ते तैयार है, तब प्रतीत हमरे ओर आवे, ते फिर असी राजे फतेह शाह दी कई गल दे उत्ते प्रतीत करदे हां, फिर ओहदी कई बात दे उत्ते भरोसा ते यकीन करदे हां, मिलबे को सनेह उपजावे, फिर तां असी उहनां दे नाल मिलन दा अपने हिरदे च सनेह उत्पन्न करदे हां, किम कै पटे सतल प्रधान, इदां कह के राजे भीम चंद ने जिहड़े दे अपने वजीर सी उह फतेह शाह दे वजीर सब नूं भेजिया, आए फतेह शाह जिस थान, जिथे राजा फतेह शाह बैठा सी उथे चल के आए, बैठे बहुत बार समझायो, आके राजे फतेह शाह दे नाल गल बात करके फतेह शाह नूं अपने नाल पूर्ण तौर ते समझा के रजामंद कर लिया, गुरसन लरबो मत ठहरायो, आखिरकार ए मत पक्का कर लिया के गुरु गोबिंद सिंह साहब नाल जंग करना ही करना, उना नाल लड़ना ही लड़ना, ए बात इना ने पक्का कर लिया बना लिया, आपस में समदी मिल बातन, इदा ए आपस में समदी मिल के गल्ला कर रहे ने, पाए हरख कर है पुन कातन, और बड़े हरख विच खुशी विच आए, कहते असी हुण घात वेख के हमला करांगे, अब तो ब्याह प्रसंग नबेरो, कहते चंगा हुण जिहड़ियां ब्याह दियां साडियां रीतियां रह गईयां ने, ब्याह दे जिहड़े शगन रह गए ने ओ अपने पूरे कर लिए, पहला आ नबेड़ लिए, पाछे पर जंग बखेरो, ते बाद विच तां फेरे जंग दा बखेड़ा पै जाणा, उहदे तों पहलां पहलां जिहड़े आ साडे ब्याह दियां रीतियां हुंदियां ने, ब्याह दियां जिहड़ियां कुल रीतियां लोक रीतियां वैदिक रीतियां हुंदियां ने उह अपणियां करके नबेड़ लईए, फतेह शाह इम नृप ठहराए, राजे फतेह शाह ते भीम चंद ने इस तरह ए विचार जिहड़ी आ उह ठहरा लई, उठ आयो कुन दूसर ठाए, एदा उठ के फतेह शाह दूसरे थां ते आया, गुर प्रोहत अर जहां दीवान, इन्हां दियां सारियां हरकतां दीवान नंद चंद जी और गुरु घर दे पुरोहित भाई दया राम जी वेख रहे सी, वेख रहे सन भी फतेह शाह की निर्णा लेंदा, वेख रहे सन भाई नंद चंद जी होनी, बड़ी दूर अदेशी बिरती दीवान नंद चंद जी दी, उन्हां वेख्या फतेह शाह की जिहड़ी निहामी भर दित्ती है उस पासे, हालांकि सारियां गल्लां फतेह शाह ने पर्दे च कीतियां ने जाके, पर जद उठ के आया ना दीवान नंद चंद जी वल, ते नंद चंद जी ने फतेह शाह वल वेख्या, फतेह शाह दियां अखां थोड़ियां बदलियां बदलियां दिसियां, नंद चंद ने अखां पढ़ लियां, बहुत कुछ अखां भी बयान कर जांदियां ने, एक भाषा ऐसी भी हुंदी है जिहड़ी बिना बोलियां अखां दे राही शरीर दे हाव भाव नूं वेख के समझ आ जांदी, इह अखां दी भाषा समझण वाले बड़े चतुर हुंदे चलाक हुंदे है, दीवान नंद चंद जी बड़े सियाणे सन, उन्हां ने फतेह शाह दियां अखां पढ़ लियां ने, कनसो मिल गई होवेगी उधरों, क्योंकि आखिरकार कोई ना कोई जसूस तो फतेह शाह दे कोल दीवान नंद चंद दा भी होवेगा ही ना, उधर की गलबात हो रही है वो सारियां गल्लां दीवान नंद चंद जी होना कोल पहुंच रही ने, तीनो चाहे तंबोल महान, हुण फतेह नंद चंद जी दीवान दे कुल पुरोहित दया राम जी तंबोल लैके बैठे ने उत्थे 1,25,00,000 रुपए का, वो तंबोल देना चाहते सन फतेह शाह नूं।
केतक सुपट जिन्हों के साथ। दीवान नंद चंद जी दे नाल कुछ कसूर में योधे भी इथे नाल मौके ते आए हुए ने। आद खड़ग ते आयुध हाथ, इन्हां दे हत्थां विच तलवारां ढालां ने और शस्त्र धारी हन। किरपत दृष्ट समुख ने कीनी, जदों फतेह शाह आया ना बाहर नूं जिथे दीवान नंद चंद जी उस तंबोल लैके बैठे सी, ते दीवान जी ने सोचिया भी शायद फतेह शाह साडे वल आवेगा, पर उहदियां अखां वेखियां ते उहदियां अखां बदलियां होईयां सी। फतेह शाह दे जिहड़े हाव भाव सन ਉਹ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਅੱਖਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਨੰਦ ਚੰਦ ਚਾਤੁਰ ਤਬ ਚੀਨੀ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੰਦ ਚੰਦ ਜੀ, ਬੜੇ ਦੂਰ ਅਦੇਸ਼ੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਵੇਖ ਲਿਆ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਦਇਆ ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਹਤ ਕੇ ਕਾਨਨ, ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ ਜੀ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ। दया राम दे कान दे विच बोले, पाकी गत समीप कर आनन, मुंह नेड़े करके ना कान दे दया राम दे बोले दी आवाज दे विच भी जड़ी किसे तीजे नू ना सुने, एहो जे ढंग नाल नंद चंद जी ने कान दे विच गल कीती। बिगरों लकियत दुष्ट पहारी, कहण लगे दया राम जी फतेह शाह दी अखां वेखो, इहदा चेहरा वेखो, ये पहाड़िया बिगड़ गया, जदो अंदर गया सी उदो इहदियां अखां होर सन, हुण पता नहीं की गल बात करके आया अंदर भीम चंद होणा दे वजीरां नाल, आवेख हुण बाहर आउंदे इहदियां अखां कुछ होर ने, ए पहाड़िया फतेह शाह जापदा बिगड़ गया। मिलियो कुसंग संग मत मारी, कुसंगियां दा संग मिल गया इहनूं, ते कुसंगियां दा संग मिलन करके इहदी मत मारी गई है, इहदी अकल ते पड़दा पै गया। अब ना करो इनको विश्वास, दया राम जी हुण तक आपां इसे दे भरोसे बैठे सी भी फतेह शाह चलो अपने बारे दी गल कर रहा, पर हुण इहदा एक रंचक भर भी टके दा भरोसा नहीं इस बंदे दा, हुण आपां इहदे ते यकीन नहीं कर सकते। रहो सुचेत धरो गुर आस, हुण इहदी आस छड्डो ते अपने गुरु की आस रखो ते सुचेत हो जाओ। हुण जे सानू कोई आस है ना इस वेले ते केवल कलगी धर की आस है, दसवें पातशाह की आस है। अभियान की आस निरास भई, कलगी तार पास कियो मन माही, अभियान की आस निराश भई, कलगी तार पास कियो मन माही। हुण तां कलगियां वाले पातशाह दी आस है, हुण आपां नूं इक पहला तां चलो थोड़ा बहुत यकीन सी भी फतेह शाह साडे पक्ष की गल करेगा, जे लोड़ पई ते साडे वास्ते हो सकदा दूजियां नाल लड़ भी पवे, पर नहीं, हुण इहदियां अखां बदल गईयां ने, वेखो इहदा चेहरा इहदा बदलिया नजर आ रहा है। हुण कलगियां वाले पातशाह दी आस रख के सुचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ। उतो बिलोकत जथा अगारे, जिवें पहला वेखदा सी साडे वल, पहला इहदी तकणी विच जिन्ना सत्कार सी, पहला इहदे वेखण दे विच जिन्ना साडे प्रति अदब सी, नहीं तौर सो परे निहारे, हुण ओह तौर नहीं पे दिसदे, हुण इहदियां अखां विच क्रूरता ही नजर आ रही है, इहदियां अखां विच टेढ़ापन नजर पिया आउंदा। मैं तंबोल दिश दृष्ट लगाई, हुण इहने तंबोल वल भी नहीं वेखिया जिहड़ा गुरु जी ने भेजिया। पाल विसाल रहो बिलखाई, इहदे मत्थे दे उत्ते नजर आ रहा त्रुड़ी नजर आ रही है, मत्थे दे उत्ते त्रिवड़ी पई दिसदी है। तनक ना रुख हमरी दिश कीनस, तनक भर भी साडे वल रुख नहीं कीता, थोड़ा जिन्ना भी साडे वल ध्यान नहीं कीता, सानू वेख के नजर अंदाज कीता। अरे बकरता टर बोली नस, इन्हें बकरता टेढ़ा पन धारण करके साडे तो पासा वटिया। लकी परे जिम रखी रुखाई, एदा जाप रहा हाव भाव तो भी हुण रुखा हो गया,
ਇਹਦਾ ਰੁੱਖਾਪਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਰਿਓ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਮੂੜ ਖੋਟਾਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੂਰਖ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠਹਿਰਬੋ ਨਾਇਨ ਆਛੋ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਾਛੋ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ। ਓਏ ਸਾਵਧਾਨ ਸੰਭਾਲੋ ਡੇਰਾ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਸੰਭਾਲੋ। ਕੁਝ ਦੀਖੇ ਹੋਏ ਪਰ ਬਖੇੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਬਖੇੜਾ ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਾਪਦਾ। ਸਰਬ ਗਿਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਹੁ ਸੈਨ, ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਰ ਦੇਸ਼ ਹਮਰੋ ਇਤ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਗਾਨੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਇਆ ਰਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁੰਨ ਬੋਲਾ, ਜਦੋਂ ਨੰਦ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਲੇ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੱਟਿਓ ਗੁਰੂ ਇਨ ਦੇਹੋ ਤੰਬੋਲਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੰਬੋਲ ਦੇਣ, ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬੋਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਏ, ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਗਨ ਆਏ ਤਾਂ ਦੇਈਏ। ਇਸ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਨੀ ਕੈ ਕਰ ਚਲੀਏ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਭੇਜਿਆ। ਸਤ ਗੁਰ ਸਨ ਮਿਲੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਤੱਕੇ ਇਹ ਜੈਸੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੰਬੋਲ ਦੇਣ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੰਬੋਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਬੁਰਾ ਤੱਕਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਬੁਰਾ ਤੱਕਣਗੇ, ਫਲ ਸੰਕਟ ਕੋ ਲੈਸੇ ਤੈਸੇ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੱਕਣੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣਗੇ ਓਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਦਿਵਸ ਹਮ ਕੋ ਇਨ ਰਾਖਾ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਬਿਗੜਨ ਅਭਿਲਾਖਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੂਰਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਪਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਕਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤਮਾਰੀ ਦੋਈ ਸੁਪਾਰੀ, ਕਿੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਕਲਹਿ, ਰਾਜੇ ਬੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਰਤੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਮਰਦੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਰਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੂਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਪਹਾੜੀਆ ਕੱਚੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰੋਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਨੰਦ ਚੰਦ ਕੈ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਸੁਣੀਐ, ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੰਬੋਲ ਤਾਂ ਦੇ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਣ ਭੇਜਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਦੇਨ ਇਤੋ ਤਨ ਕੋ ਗੁਣ ਗੁਣੀਐ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੰਬੋਲ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚਖਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਤੰਬੋਲ ਇਹਨਾਂ ਧਨ ਨਾਲੇ 125,000 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਤੰਬੋਲ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੇਈਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਜੰਗ ਕਰਨ ਆਉਣ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਦੀ। ਆਪ ਹੀ 125,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, 125,000 ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਬਿਗੜੇ ਮਤ ਮੂੜੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਗੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਗੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਬੋਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਕੱਚੀ ਮੱਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਗੜਨਾ ਹੀ ਵਿਗੜਨਾ ਹੈ। ਸਾਢ ਸਤੀ ਇਨ ਸੀਸ ਅਰੂਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾੜ ਸਤੀ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾੜ ਸਤੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਟਲਣੀ। ਲਿਓ ਸਭੇ ਆਪਣੀ ਵਸਤ ਸੰਭਾਰੇ,
अपनिया सारिया वस्तुआ संभालो इकट्ठा करो ए जिन्ना तबोल है। चलती जे सत गुरु आधार है, गुरु जी भी वस्तु है, जाके सतगुरां नूं जाके अर्पण करिए देइए। बने विरोधी को किम देना, जेड़ा हुण विरोधी बन गया जेदे नाल कोई प्रेम रस रहा ही नहीं, उस दुश्मन नूं हुण ए तंबोल किवें दे दईए, ओनू हुण इन्ना धन किवें दे दईए जेड़ा दुश्मन बन चुका है। इज बल कर हम लूट सो लेना, क्योंकि जे आपां इन्हां नूं तंबोल दे भी दिता ना ते दया राम हुण ए ना समझी भी आपां इत्थों सौखे ढंग नाल निकल जाणा, ए हुण आपां नूं लुट्टण दी तैयारी करनगे, साडे ते हुण हमला करन दी तैयारी करनगे। बनियो रहत जे गुर को दास, जे गुरु का दास बनया रहिंदा, ओ हम देत वस्त इन पास, फिर असीं सारा तंबोल इहनूं दे दिंदे, ये सारिया वस्तुआ इनू दे देंदे। पयो बेरस अब ले हो बटोर, पर हुण बेरसी हो गई इस करके दया राम जी, ये जिन्ना भी तंबोल पिया ए सोने चांदी दे बर्तन आभूषण पए ने ए सारे समेट लो इकट्ठे कर लो। पूरन चलो सिवर निज और, चलो बाग विच जिथे अपना डेरा छेती नाल हल्ले नाल उत्थे वापस बुड़िए। दया राम आशे लख पायो, भाई दया राम ने भाई नंद चंद दा इशारा समझिया, आशा जान लिया, सब तंबोल इकट्ठा करवायो। जिन्ना ओ तंबोल सी दया राम ने वेखदिया वेखदिया मिंटा सकंटा च इकट्ठा करवा लिया। सत छिन होए सावधान बिसाले, सत छिन सावधान हो गए, नाल कुछ सूरमे सन ऐन त्यार पर त्यार हो गए। वस्त संभारत गन होए चाले, सारियां वस्तुआं संभाल के इकट्ठियां करके जिथे डेरा सी बाग च फौजा दा, 500 सूरमियां दा जथा नाल सी इन्हां दे, उत्थे चल के आए। तोमर तुपक तबर तरवार, बंदूकां तबर तलवारां नेजे बरछे जिन्ने शस्त्र हन, होए सुचेत हाथन में तार, सुचेत हो गए हथां विच सारे हथियार सब ने पकड़ लए। होए इकत्र डेरे चल आए, इकट्ठे हो के चल के अपने पड़ा ते आए। सत छिन दीन तुरंगम पाए, सत छिन घोड़िया ते काठियां पा लिया, घोड़े तैयार कर ले, तैयारी करी और उड़न एत, और चढ़न लई उत्थों वापस श्री पौंटा साहब आउण लई दीवान नंद चंद जी ते भाई दया राम जी ने तैयारी कर ली। होए सुचेत बोशीगर समेत, बड़ी शीघ्रताई नाल काली नाल तैयारी नाल चले हन। दोनों समदी मिल जब थिरे, उधर दोवें समदी जदों मिल के इकट्ठे होए, बोलन मिलन प्रेम ते परे, हुण ते जफियां पा पा मिलन लगा फतेह शाह ते भीम चंद, मानो पता नहीं की लभ गया होवे, जेड़े कुछ समा पहला अखां फेरी फिरदा सी भीम चंद, हुण गल वकड़ियां पा पा फतेह शाह नूं मिलदा। आए नरन सुध तबे सुनाई, इन्ने नूं इक जसूस ओ दौड़ के गया जिथे भीम चंद ते फतेह शाह ते बाकी राजे बैठे, उन्हां नूं जाके खबर दित्ती, गुर दीवान तैयारी करवाई। कहण लगा जी उधर गुरु जी दे दीवान ने घोड़िया ते काठियां पवा लिया ने, उन्हां तैयारी कर ली, ओ तां वापस जाण लगे ने बिना दस्या। जित कवस्त देन हिते आनी, ते जेड़ा तंबोल ओ देन वास्ते लै के आए सन, सब ले चलियो रिदे रिसठानी, गुस्से दे नाल उन्हें ओ सारियां वस्तुआं चुक लिया ने ते लै के वापस जाण लगे हन। भीम चंद कै छोब विसाल, भीम चंद नूं इस गल दा बड़ा डाढा गुस्सा सी, गुस्से विच आया, करत शिगरता कै तिसकाल, बड़ी काली दे नाल अपने सिपाहियां नूं फतेह शाह दे बंदियां नूं कहण लगा, पूरन पटो सुपट गन गाडे, जेड़े चंगे सूरमे चोणवे योधे ने छेती नाल उन्हां नूं भेजो, घाटा रोक ले ओ दिन ठांडे, अगे इक घाटा है जिथों उन्हां ने लंघना, घाटा चढ़ाई नूं कहिंदे आ, सज्जे खब्बे दो पहाड़ियां होण उच्चियां, बचकारों रस्ता जांदा होवे पर चढ़ाई वाला रस्ता होवे उन्हूं घाटा कहिंदे, जिहड़ा सज्जे खब्बे पहाड़ां दे विचों दी लंघदा है,
तो जिथों भाई नंद चंद जी होना ने लंघना सी वो बिल्कुल वो घाटा सी क्योंकि होर कोई रस्ता नहीं सी, पहाड़ होने करके सज्जे खब्बे लंघना औखा सी। वो घाटा इन्होंने रोकण नूं कह दिता भीम चंद ने, कहिंदा उही मेन रस्ता है, उस रस्ते ते अपनी फौज भेज दो जिहड़ा घाटा जाके रोक लैण। नैनिक सन पावें लिओ घेरे, उहनां नूं घेरा इहो जिहा पाओ भी उस घाटे विचों निकल के जा ना सकण। अतो तुपक जब पहुंचे नेड़े, जदों नेड़े पहुंचण बंदूकां दीआं गोलियां दाग के उहनां नूं मार मुकाओ। इत्ते सब राजन की सेना, तुसीं अगे जाके घाटा रोको, पिछों असीं सारी फौज लैके आवांगे। ਜੜੇ ਤਰਨ ਆਯੁਧ ਗਨ ਪਹਿਨਾ, ਔਰ ਵਧੀਆ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਰੰਗ ਜੋ ਲਿਆਏ ਸੁਦਾਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਦਾਗਰ ਆ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। मैं सुनिया वो घोड़े बड़े सुंदर ने, चपल बली गुण ब्रिंद उजागर, और जेड़े बड़े चंचल ते बली हन, सगरे चीन ले हो कर तर तर, वो 100 दा 100 घोड़ा भी उन्हां कोलों खो लवो, हमेशा वो घोड़े उन्हां कोलों खो लवो। शस्त्र खसोटो दीन सकार कर, और उन्हां दे हथियार उन्हां दे शस्त्र उन्हां दे हत्थां विचों खो लवो। उन काटे ते वैर निकासो, ते कहंदे उन्हां नूं दीन करके ना हथियार खो के उन्हां दे घोड़े खो के पैरां चो जुत्तियां भी लवा लो उन्हां दे, नंगे पैरी उन्हां नूं घाटे विचों दीन करके बाहर कढ़ो। सनमुख आत शस्त्र बिनासो, ते जेड़ा कोई सनमुख आ के लड़े मुकाबला करे उन्हूं शस्त्र नाल वढ़ के कट दिओ। वस्तु जाने दिओ ना कोई, उन्हां दे नाल कोई वस्तु जान नहीं देनी, जिन्नियां वस्तुआं नूं 125,000 दा तंबोल है उन्हां कोल जेड़े घोड़े ने शस्त्र ने वस्त्र ने ओ सारे खो लैने ने लुट लैने ने। नगन सीस कर भेजो सोई, और उन्हां नूं नंगे सिर करके भेजना इत्थों, सिरां तों पग्गां भी ला लैणियां ने उन्हां दे। इह हुंदा है किसे नूं जाण बुझ के हीण करना, जाण बुझ के उन्हां नूं हीण करन वास्ते सिरां तों पग्गां लाणियां, इह जरवाणी बिरती दा सबूत है। कहन लगे जी इन्हां दे सिरां दीआं पग्गां भी ला दिओ, इन्हां दीआं शस्त्र इन्हां दे कोलों खो ही लैणे आ, पहलां जो कुछ है इन्हां दे डेरे दे विच सारा कुछ लुट के लै आओ, ते फिर इन्हां दीआं पग्गां ला के इन्हां नूं बेइज्जत करके इन्हां दा निरादर करके इत्थों कढ़ो। फतेह शाह समदी ते सुन कर, जदों फतेह शाह ने अपने समदी कोलों जराजे भीम चंद कोलों ये गल्लां सुनियां, ये सब चले जान इमरिस तर, ये बड़े गुस्से विच आके कहिंदे इस तरह करन लगे, करियो हुकम काटा लियो रोक, हुकम कीता इन्हें काटा रोक लो, पर वो भी सूरमे ने महाराज जी दे योधे ने उन्हां दा राह रोकना चाहुंदे ने जरवाणे। घेरो चढ़ कर भले बिलोक, चंगी तरह को घेरा पा के रोक लो, छीन लियो सब तिन को डेरा, और उन्हां दा जिन्ना डेरा वो सारा लुट लो, खो लो जो कुछ है उत्थे। जिनो नहीं डर मानियो मेरा, जिन्हां ने मेरा डर नहीं मन्या मेरा भय नहीं मन्या, मानियो बड तंबोल ने दीन, तंबोल लिया ऐसी ते दे के नहीं देख चले, गोप जनावत चलबो कीन, तू अपना गुस्सा विखा के इथों जाना चाहते नहीं जान देना ये तो आप ते कहते जिवें घाटा रोक रहे ने, पर सतगुरां दे सूरमे योधे किवें अड़ी दे नाल उस घाटे नूं तोड़ के लंघदे है, कलगीधर पातशाह दे चरणां विच हाजर हुंदे है, वो कथा आप जी अगलियां प्रसंगां विच सरवण करोगे। गरीब नवाज साहब जी का पवित्र पावन इतिहास कथन करदिया होइया भुलां चुकां दी खिमा। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे।
ओ वाहे गुरु वाहे गुरु, ओ वाहे गुरु वाहे गुरु, हे अच्युत हे पारब्रह्म, हे पूरन हे सर्वम, हे संगी हे निरंकार, हे गोविंद हे गुण निदान, हे अपरंपर हर हरे, हे संत कै सदा संग, ठाकुर हो दास रो, निर्गुण गुण नहीं कोए, नानक दीज नाम दान, राखोई परोए, प्रभ शरणागति, कृपा निद दयाल, एक अखर हर मन बस्त, नानक होत नियाल, वाहे गुरु नाम जहाज है, चढ़े सो तेरे पार, जो शरदा कर सेवन दे, गुर पारे उतार निहार, वाहे गुरु नाम जहाज है, चढ़े सो तेरे पार, जो शरदा कर सेवन दे, गुर पारे उतार निहार, वाहे गुरु जी का खालसा, वाह